जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवैध भू माफियाओं के ऊपर ताबड़तोड़ से लेते हैं कि जिस तरीके से लखनऊ में ग्रीन बेल्ट में 1400 मकानों को ध्वस्त किया गया, उसी तरीके से जनपद बाराबंकी में भी करीब करीब 100-150 मकानों को ध्वस्त करने का दावा करते हैं कि ध्वस्त किए जाएंगे, बार बार अल्टीमेटम भी देती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भू माफिया अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिला स्तर के राजस्व के, उनकी मिली भगत से जब अवैध अतिक्रमण हो जाता है तब ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अवैध अतिक्रमण होने के बाद बुलडोजर से योगी बाबा को ध्वस्तीकरण करने का आदेश देना पड़ता है, ध्वस्तीकरण होता है जिससे कि राजस्व का भी नुकसान होता है और जो गरीब लोग हैं या जो भी आदमी निर्माण कराते हैं किसी तरीके से उनको भी बहुत ही नुकसान करना पड़ता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या शासन प्रशासन क्राइम होने का इंतजार करता है कि जब क्राइम हो जाता है तब ध्यान देता है, यदि कहीं ना कहीं क्राइम होने से पहले ही जब मीडिया के लोग या सब लोग आगाह करते हैं शासन प्रशासन को तभी तत्काल फौरी तौर कार्रवाई की जाए तो शायद ऐसा ना करना पड़े जिससे कि राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा और ग्रामीणों को भी जो आम उपभोक्ता है उनका भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पैसा लगा करके जब घर बनवा लेते हैं तो घर गिरता तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो मैं आपको बताया चाहता हूँ अपने चैनल माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ शासन प्रशासन को कि इस तरीके के जो अवैध निर्माण होते हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए जिससे कि क्राइम ना होने पाए। तो ताज़ा मामला है आपके शहर के निकट नगर पालिका क्षेत्र में, जो आपको करीब करीब मुख्यालय से जिलाधिकारी और प्रशासक के आवास के मात्र 1.5 किलोमीटर के बीच का मामला है कि जहाँ बाराबंकी शहर की सिल्वर रिवर जमुरिया नदी और उसके बाद रेत नदी का मिलान होता है, जहाँ पर मिलन होता है कोठी डी और जगनहिता के पास, वहाँ पर ताज़ा प्रकरण है कि अवैध भू माफिया नदी का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। जो जमुरिया नदी है रेत नदी है उसका अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं कि ग्रीन बेल्ट में जहाँ सरकारी मंशा सरकारी नियम है कि 185 मीटर दोनों तरफ 185 मीटर एरिया को छोड़ करके प्लाटिंग करें मकान बनवाएं, लेकिन भू माफिया प्लाटिंग करवाते हैं तो नदी से 1-2 मीटर भी नहीं छोड़ते, नदी के तलहटी तक नदी के जो है कछार तक जो है प्लाटिंग कर रहे हैं और नदी को पाट रहे हैं, नदी को मिटाने का अस्तित्व मिटाने का काम कर रहे हैं और प्लाटिंग कर रहे हैं, जिससे कि अब की बार भीषण बाढ़ आई। तो मेन कारण यही था कि जब नदी का जो पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा और ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तो अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। तो देखना यही है कि हमारी खबर को संज्ञान में लेकर के शासन प्रशासन जिला प्रशासन जो अवैध भू माफिया हैं खनन माफिया हैं कि मिट्टी को वहाँ पर लाके पाट रहे नदी को अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं तो उनके ऊपर क्या एक्शन लेता है, जैसे कि अभी कैमरा से दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मिट्टी बाहर से ला करके डंप की जा रही है और उसके बाद है नदी का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं, नदी की दोनों तरफ दोनों पटरियों पर जो है मिट्टी डंप की जा रही है, मिट्टी से जो है नदी का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। तो देखना यही है कि शासन प्रशासन के लोग जिलाधिकारी कानूनगो SDM नायब तहसीलदार लेखपाल जो हल्के के हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं भू माफिया के खिलाफ जिससे कि जो है क्राइम न होने पाए और नदी का अस्तित्व न मिटे, जिससे कि वातावरण भी शुद्ध रहे और आमजन को यानी करे कोई भरे कोई नुकसान सभी का भी होता है, सबको बाढ़ की विभीषिका से झेलना पड़ता है, तो इसलिए जो है क्राइम होने से पहले ही एक्शन लें जिससे कि नदी का अस्तित्व कायम रहे और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी इस्तकबाल कायम रहे, जिलाधिकारी का भी इस्तकबाल कायम रहे, जो तेज तर्रार जिलाधिकारी जी है सत्येंद्र कुमार जी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं क्या एक्शन लेते हैं जिससे कि नदी का अस्तित्व कायम रहे और ग्रीन बेल्ट को संरक्षित रखें जिससे कि जो है सभी लोगों का जनता का हित हो और किसी का नुकसान ना होने पाए। अब देखना यही है कि खबर को संज्ञान में लेकर के शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग क्या कार्रवाई करते हैं जिससे कि नदी का अस्तित्व कायम रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार।